सर, कांग्रेस अपने 2 साल के कार्यकाल में उपलब्धियां बता रहे, आप विपक्ष के विधायक हो, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कांग्रेस 2 साल की जो उपलब्धियां जो बता रही है, वास्तव में हकीकत धरातल पे जो चीज है वो जनता के सामने। आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस ने लोक लुभावने जो वादे करके किसानों का कर्जा माफ करने की बात की और बेरोजगार युवाओं को बता देने की बात की और कई तरह की नौकरियां देने की भी बात हुई थी। आपको ध्यान है कि कांग्रेस शासन में आने के बाद में दो साल से अपने घरेलू आपस में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की झगड़े की वजह से राजस्थान पे धरातल पे कोई कार्य होना चाहिए वो नहीं हुआ है। ये जरूर हुआ है कि किसानों का कर्जा माफ तो अलग रहा, जो 13,600 रूपये अनुदान के रूप में मिलते थे वो कट कर दिए गए और हर किसान को 10,000 रूपये साल के जो बिजली में मिलते थे, बिजली में ये हालत आज की तारीख में किसानों की होगी। एक मैं आज सुबह की बात बताऊंगा आपको कि सिवाना एन ऑफिस, पादरू एन ऑफिस, सिंदरी एन ऑफिस और समुंदरी एन ऑफिस में मेरी विधानसभा और राजस्थान में भी ये स्थिति है, जिसके 7.5 का कनेक्शन था उसके 15 का लोड बढ़ाकर कर दिया, जिसके 10 का था उसका 20 का कर दिया, 20 वाले के 30 का कर दिया, कुओं में पानी नहीं है और आज की तारीख में वो लोड बढ़ाकर थोप रहे हैं बिल। मतलब किसानों की ये माली हालत। आपको समुंदरी में ध्यान है कि आपको गोदों का वाड़ा से लगाकर, रामपुरा से लगाकर डेढ़ डेढ़ दो दो लाख के किसानों के लिए बिल थमा दिए गए। किसान आज भी वो बिल भरने में मजबूर है और बिल नहीं भरेंगे आंदोलन होगा। सरकार ने तो वादा किया था, उस वादा से तो मुकर गई और किसानों पे इतना भार लाद दिया है कि वहन किसान नहीं कर सकते। कोई तरह का कार्य नहीं हो रहा है, कोई विभाग में कार्य नहीं होगा। आपको ध्यान है कि मेडिकल में भर्ती भारतीय जनता पार्टी के समय में डॉक्टरों की जो भर्ती हुई थी और उनको भी अभी जो पोस्टिंग दी है उसमें भी सिवाना के साथ में चारों तरफ से भेदभाव किया जा रहा है। प्रॉपर सिवाना में एक भी डॉक्टर नहीं लगाया, जो डॉक्टर लगा हुआ था उसको भी हटा दिया गया है और इन्होंने कोई तरह का कार्य जो जनहित में होना चाहिए, आज भी राजस्थान सरकार की तरफ से एक भी रोड, 1 किलोमीटर रोड नहीं बनी और आज भी ये स्थिति बनती जा रही है। पंचायती राज चुनाव के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं पंचायत राज चुनाव के बारे में आपको निवेदन करूंगा कि राजस्थान में जहां परिसीमन में घोटाला करके ये 5 जिला में जिला प्रमुख ला चुके हैं, दूसरे भारतीय जनता पार्टी ने 5% बहुमत पंचायत समिति में हासिल किया है। अब आप कहेंगे नगर पालिका में क्या हुआ? नगर पालिका में इन्होंने गाइडलाइन छोड़कर एक वार्ड 317 का वार्ड है और पंचायतों का पुनर्गठन और नगर पालिका और नगर निगम में जो इन्होंने परिसीमन किया है उसमें आपको ध्यान होगा एक वार्ड 12,000 से लगाकर 32,000 का वार्ड है और एक वार्ड 300 से लगाकर 1800 तक का वार्ड है। आप भिन्नता कहां करोगे? 30,000 वोटर के अंदर उन्होंने 21 वार्ड बना दिए और जहां 50,000 वोटर के अंदर 3 वार्ड जो थे वो अब उसको आप एक जातिवाद पे मैं नहीं जाना चाहता, पर इन्होंने इस तरीके का पुनर्गठन किया और फिर अब ढिंडूरा पीट रहे हम नगर पालिका और नगर निगम में हम जीत गए। जीतने का कारण आपका सिर्फ ये है कि इन्होंने अब इस तरीके की वातावरण करके ये जीत हासिल करने की कोशिश की, वो दुनिया जानती है, आंकड़े पड़े हमारे पास में। सर, पंचायती राज चुनाव में आपका विधानसभा क्षेत्र सिवाना है, वहां से आप भाजपा का वोट नहीं बना पाए, इसके बारे में क्या कहें? मैं आपको ये कहूंगा कि सिवाना में भी हमारा वोट बनता पर वोटों का बिखराव होने की वजह से हमने पर्याप्त 9 सीटें तो प्राप्त की है और जो 4-5 सीटें जो हमें कम मार्जिन से हारना पड़ा उसमें भी जाति का जो जय फैलाकर किसी तरह का वातावरण बढ़ाया उसमें मैं बिल्कुल वोट बनाने में पीछे रहा हूं, पर वोट परसेंट जो मिले हैं उसमें कोई तरह की कमी नहीं रही है। जैसे आपको समुंदरी में आपको ध्यान है कि समुंदरी में पूरा मतलब कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, ये भी कार्यकर्ताओं की देन और भारतीय जनता पार्टी का लोगों की बारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो झुकाव जनता का था उसी का परिणाम है। तो जिला प्रमुख के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरीके से इस 70 सालों से जो बीजेपी सपना देख रही थी कि जिला प्रमुख बीजेपी का बनेगा, इस बार सीटें भी बराबर थी, फिर भी शंकर देवासी जो पार्टी से बगावत करके कांग्रेस के साथ में चले गए और कांग्रेस का बोर्ड बन गए। अब ये जरूर बिल्कुल हमें इसमें विचार और मंथन करने की आवश्यकता है कि बाड़मेर जिले में जातिवाद का जहर इतना फैल गया है, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का आजादी के बाद में जो इस बार जिला प्रमुख बनने का जो सपना था उस बारे में अब वोटों की इधर उधर दाना करना ये
मतलब कांग्रेस वाले इसको मैनेज, सत्ता भी थी, सत्ता के साथ में उन्होंने पैसों का मैनेज करके कैसे किया, इस बारे में थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। पार्टी को मंथन करने की आवश्यकता है कि इस बारे में जहां भी चूक हुई है उसका विश्लेषण करके ध्यान देने की आवश्यकता है। ये मैं जैसे हर मीटिंग में मैं भी गया हूं, परंतु जो हमारे प्रभारी और हमारे मंत्री जी ने काफी कोशिश सारी की पर वो उसमें वंचित रह गए, इसके लिए खेद है और इसमें विचार करके कुछ और देखने की आवश्यकता है। सर, किसानों के सबसे बड़ी यहाँ की समस्या है प्रदूषित पानी, जिसको लेकर के आपने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि अगर ये समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो मैं विधानसभा के आगे धरना प्रदर्शन करूंगा और उग्र आंदोलन करूंगा, लेकिन अभी तक आपने इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई को लेकर अमल नहीं। ये पंचायत राज चुनाव आगे, नगर पालिका के चुनाव आगे, मैं जहां भी समदड़ी जहां प्रदूषण पानी आ रहा है, मेरी पंचायत राज में भी मीटिंगें होगी, हर गांव में मेरा यही वादा था कि आपके साथ में मैं धरने पर बैठूंगा और ये प्लानिंग की तरह हम तैयारी कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी अभी एक कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने जस्टिस टाटिया एक कमेटी बनाई है जोधपुर में, तो उनके पास में भी हम जाएंगे। कल मैं पॉल्यूशन विभाग जयपुर में था, पॉल्यूशन विभाग में चेयरमैन से लगाकर विनू गुप्ता से लगाकर वहां जो उदय शंकर जो टेक्निकल मेंबर है उनसे मिलकर आया हूं, ज्ञापन मेरी तरफ से देके आया हूं और मैं कोशिश करूंगा कि जनता को साथ में लेके मैं धरने पे बैठूंगा।